खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ख्वातीनो हजरात, लो जान बेच कर भी जो इल्मो हुनर मिले, जिससे मिले, जहां मिले, जिस कदर मिले। अभी आप दोनों तालीम दोनों जहां के लिए इस उनवान पर मुफस्सल खिताब समात फरमा रहे नायक साहब का, और आपका जो सबसे दिलचस्प सेशन है वो सवाल जवाब का है, वो आप शुरू होने जा रहा है। इससे पहले कि सवाल जवाब का सेशन हो, चंद जरूरी बातें मैं सवाल करने वालों से उनके सामने रखूंगा, और अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से इंतहाई आजिजी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को सामने रखते हुए मैं अर्ज करूंगा कि देखिए, हम और आप अपने उन गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मेहमान हैं, मेजबान हैं, और वो हमारे मेहमान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहु, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वह अपने मेहमान की इज्जत करे, अपने मेहमान की आवभगत करे। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को सवाल करने का पहले मौका दें। हमारे इस इजलास में 5 माइक का इंतजाम किया गया है, पहला दूसरा और तीसरा एक के बाद दीगरे 3 माइक भाइयों के शोबे, और माइक नंबर 4 और 5 हमारे बहनों और माओ के शोबे में है। मैं गुजारिश करूंगा अपने गैर दरमियान तशरीफ रखते हैं, सबसे पहले अपना नाम और पेशा बताएं, सवाल मुख्तसर करें, छोटा करें, और सवाल फिक्ही न करें और इख्तलाफी सवाल न करें जिसमें इख्तलाफ हो। अगर कोई ऐसा सवाल जो इख्तलाफी हो उसको रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार होगा, और अगर आपको 2 सवालात करने हों तो आप एक सवाल करने के बाद जवाब मिलने के बाद फिर आप कतार में खड़े हों, जब आपका दूसरा सवाल का नंबर आए उस वक्त दूसरा सवाल करें। गैर मुस्लिम भाइयों को, गैर मुस्लिम बहनों को मुकम्मल इजाजत और आजादी हासिल होगी कि वो इस्लाम के ताल्लुक से कोई गलत फहमी वाला सवाल हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, कोई एतराज हो, उनके जहन में इस्लामी तालीबात के बारे में खटक रहा हो, तो वो सवाल कर सकते हैं। मैं आवाज दूंगा पहले माइक नंबर 1 पर जो भाई खड़े हैं कि वो अपना सवाल डॉक्टर साहब के सामने पेश करें। मेरा नाम सुमित सिद्धू और मैं आपसे हजरत से कलमा पढ़ना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि कलमा पढ़ना चाहते, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते हैं? जी। एक खुदा में मानते? जी। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आपने इस्लाम के बारे में कितने साल से आप जानते हैं इस्लाम के बारे में? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से आपको इस्लाम का इल्म कहाँ से हासिल हुआ? हमारे दोस्त वगैरह सब उनसे हासिल हुआ। जी। हमारे दोस्तों से। दोस्तों से, ठीक है। और आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी। आपको कोई इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई नहीं। कोई दबाव? नहीं। कोई फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई इकोनॉमिक प्रेशर? नो। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? आपके होशो आवाज में? जी। क्योंकि किसी को भी जबरदस्ती कोई मजहब कबूल कराना इस्लाम मजहब में भी ये हराम है। इस्लाम मजहब में हम किसी को जबरदस्ती मुस्लिम नहीं बना सकते, और कोई मजहब को जबरदस्ती तब्दील करना इस देश में भी ये हराम है। इस देश में भी इसकी ममानियत है, और इस्लाम में भी किसको भी जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। तो आप अपने दिल से करना चाहते? जी। पूरे होशो आवाज में? जी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे धराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ के मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके
پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی مشکل جو مشکلات ہے اسے حل کرے اور انشاءاللہ آپ کو جنت فرمائے جزاک اللہ شکریہ ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مائک نمبر دو میں اگر کوئی بھائی کھڑے ہوں غیر مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر جاکر نائک صاحب میرا نام روی کانت ہے میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہوں میں حیدرآباد سے آیا ہوں میں سنا ہے کہ آپ ہندو کتاب ہندوازم کے کتابوں کے گیتا اور رام کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں اور بائبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتے ہیں مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فالو کرتے ہیں کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ الحمدللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے بارے میں وید کے بارے میں گیتا کے بارے میں اسلام مذہب کے علاوہ عیسائیت مذہب کے بارے میں ہندو مذہب کے بارے میں آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ کیا ہے کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں اسی لیے سب سے پہلی بات میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں سارے پیغمبروں سے آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں آپ کا سوال تھا کہ کیونکہ آپ کے والدین مسلمان ہیں اس لیے آپ مسلم ہیں یہ جواب جب میں 19 سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا 19-20 سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے لیکن 19 اور 20 سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا میں نے عیسائی مذہب کی کتابوں کو پڑھا بائبل کو پڑھا یہود مذہب کے ہندو مذہب کے بدھسٹ مذہب کے پارسی مذہب کے سکھ مذہب کے اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوائس کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذاہب میں سے ہے اسلام یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے اسلام آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں نہیں صرف قرآن مجید میں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے ولا نشرک بھی شیئا ہوں ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ ولا نشرک بھی شیئا ہوں ولا یتخیذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کہ ہم آپس میں کسی اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں آپ ولا نشرک بھی شیئا ہوں اور ہم صرف اس کی عبادت کرے اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے میں کئی چیزیں گیتا کے بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں وید کے بھی فالو کرتا ہوں کئی چیزیں بائبل کے بھی فالو کرتا ہوں مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنیشد لکھا ہوا ہے چھندوں کے اپنیشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں ایکم ایویدتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے سویتا ستر اپنیشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے قصج جنیتا نہ چدیپا اس ایشور اس خدا کا کوئی والدین نہیں اس کا کوئی رب نہیں میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے
लिखा है श्वेता सेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, तो मैं मानता हूं। और ब्रह्म सूत्र हिंदुज्म का है, एकम ब्राह्म दिव्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पर अमल करता हूं। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहि सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाखद, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहि सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 29 में, चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहि सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज दोहराई, शमा इज़राइलो अदनाहिनो अदनाखद, कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबलों की बात को मानता हूं, वेद की बात को मानता हूं। तो जो चीज यक्षा है सारे मजाहिब में, उस चीज को मैं, उस चीज पे अमल करता हूं। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे यह पता चला कि जितने मजाहिब की किताब है कुरान मजीद के अलावा, वक्त के दौरान बदलते गए, उसके अंदर मिलावट आ चुकी है। कुरान मजीद एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल तक अब तक बिना मिलावट के है, पाक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्लाह सुबहाना व ताला का आखिरी पैगाम है। इसके पहले अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन आखिरी किताब अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल किए, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसके बाद इस कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती, इसीलिए ये पाक किताब है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं कि सबसे बेहतरीन मजहब है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मजहब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूं। लोग कहेंगे ये जाकिर क्या कह रहा है, ये कुफ्र है, क्योंकि मैं जानता हूं इस्लाम से बेहतरीन मजहब है ही नहीं। जब मजहब ही नहीं तो कहने में क्या डर, बाकी मुसलमान नहीं कह सकते। मैं एक दिगर मजाहब का तालिब इल्म हूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, और तहकीक के बाद आज मैं कह सकता हूं कि आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस। भाई साहब आप यकीन करते हैं क्या एक अल्लाह है? भाई साहब जी आप मानते एक अल्लाह में है जी? मानते? मानते हाँ के नहीं जी? आप एक अल्लाह में मानते या एक से ज्यादा? एक से मानते हैं। एक अल्लाह में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। आप जरा जोर का जवाब दे सकते जी? आप समझते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस। आप मानते? मानते। तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें जी? आप चाहेंगे? हाँ। माशाल्लाह, आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते? हाँ। आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते जी? कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई दबाव? नहीं। फिजिकल प्रेशर? नहीं। इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं। आप दिल से करना चाहते? यस। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए, अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु
واشهد ان محمدن محمدن عبده عبده ورسوله ورسوله. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جدوجہد قبول فرمائیں اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے. جزاک اللہ شکر. مائک نمبر 3 میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہوں تو وہ سوال کریں. میں صاحب نے سوال کیا کہ ابارشن کرنا غلط ہے کیا, پروٹیکشن لینا غلط ہے کیا؟ پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ کانٹرسپٹیو الاؤڈ ہے کیا نہیں. میں صاحب آپ کا سوال کیا, کون سا پروٹیکشن؟ پولیس پروٹیکشن. تو کانٹرسپشن کی بات کر رہے ہیں آپ. میں صاحب کا سوال ہے کہ ابارشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے؟ ابارشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے غلط ہے, بچی لڑکی ہے اس لیے غلط ہے, لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ابارشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتی ہے, تو اس وقت ابارشن کرنے کی اجازت ہے. کیونکہ اسلام میں لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس, چھوٹا نقصان اٹھانے کی اجازت ہے بڑے نقصان کو روکنے کے لیے. تو چھوٹا نقصان ہے کہ بچے کی جان جا رہی ہے, بڑا نقصان ہے کہ والدہ کی جان جا رہی ہے. تو اگر والدہ کی جان خطرے میں, اس وقت ہی ابارشن کی اجازت ہے. لیکن عام طور پہ جہاں تک کہ پروڈکشن کا سوال ہے, جہاں تک کہ کانٹرسپشن کا سوال ہے, تو عام طور کے آپ میرا اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میری تقریر قرآن اینڈ ماڈرن سائنس میں. اس کے اندر دو رائے ہے. سب علماء یہ مانتے ہیں کہ پرماننٹ میتھڈ ویزیکٹومی ٹیوبیکٹومی پلز لینا بالکل غلط ہے. اختلاف ہے ٹیمپرری میتھڈ پہ, چاہے کانڈوم ہو, لیکن جب آپ ٹیمپرری میتھڈ استعمال کرتے کاپر ٹی, اس کے اندر بھی دا زائیگوٹ ہیز فارمڈ, بچہ پیدا ہو چکا ہوتا, اٹس پریونٹڈ ٹو کلنگ آن دا یوٹرائن وال. تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابارشن ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. سو ٹیمپرری میتھڈ, لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسک دینے والا ہے تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسپشن استعمال کرتے, اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہے, اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے, یا ملٹی پین سیزر انفیکشن ہو چکا ہے 5 یا 4 یا 6 اور ایک بچہ پیدا ہونے سے جان جا سکتے, اس وقت آپ یہ کانٹرسپشن استعمال کر سکتے. لیکن عام طور پہ کیونکہ کم بچے ہوئیں گے تو میں اچھی تعلیم دوں گا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا 5واں بچہ ہوں. اگر میرے والدین کو فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج سٹیج پہ موجود نہیں ہوتا, اور میں معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے نقصان دار ہوں. معاشرے میں کہا جاتا ڈاکٹر بیسٹ ہے, الحمدللہ ڈاکٹر ہوں میں, لیکن میں ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ 41 آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو میں نے ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں ایک دائی بننے کے لیے. دائی سب سے بہترین پیشہ ہے, اسی لیے میرے نزدیک فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. کیونکہ اللہ صاف طور پہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 151 میں اور سورہ 17 سورہ اسراء آیت نمبر 31 میں
کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے. اور گہرائی سے جواب جاننے کے لیے آپ میری تقریر دیکھیے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملے گا. ہوپ دا آنسر ٹو کوسچن. مائک نمبر چار میں کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو وہ سوال کر سکتی ہیں. نمسکار, میرا نام ویشالی. سر مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا. آپ کیا کوشچن میں پوچھا ہے, مطلب کہا ہے کہ ہر انسان مسلم کہہ کے ہی جنم ہوتا ہے. تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم انوسار ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ میں نے کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. تو بہن پوچھ رہی ہے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے, مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق اس کا ایشور اس کا اللہ چاہتا ہے. وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے, اس کا خالق چاہتا ہے. وہ جی رہا ہے اس طریقے سے, وہ فطرت میں جی رہا ہے. اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فورس نہیں ہے, ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہے, اس کے بارے میں ریسرچ کیا گیا تھا دو ٹرائب پہ جس کا نام ہے آسٹریلین ایبوریجنز اینڈ دا کپاکو ٹرائب. یہ دو ٹرائب 1950 میں سائنٹسٹ اس کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے. یہ دو ٹرائب انسانیت کے ٹچ میں نہیں تھا, کوئی بھی ماڈرن انسان اس کے اوپر انفلوئنس نہیں کیا تھا, ان کا کوئی بھی ماڈرن ہیومن بینگ سے انفلوئنس نہیں تھا. جب ریسرچرز گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے, ایک ایشور میں مانتے, اس کی عبادت کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے. وہ جاننے تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے, نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامی تھا. تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ علیحدہ رکھتے, اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں, نہ والدین کا, نہ بڑوں کا, نہ ٹیچر کا, وہ بچہ مسلم جیسے جیے گا. مسلمان مطلب اپنی خواہشیں خدا کے احکامات کے مطابق بسر کرنا, اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق. تو یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرتے, ہو سکتا ہے کہ آگ کو پوجنے کے لیے کہیں گے. اسی لیے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے, کنورٹ کہنا غلط ہے, کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا, ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا پھر غلط راستے پہ جاتا ہے پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے, اسے کہتے ہیں ریورٹ. ہندی یا اردو میں کہوں گا میں نو مسلم کہنا غلط ہے, ہندی میں کہوں گا پلٹا ہوا لوٹا ہوا مسلم. یہ میرے خود کے الفاظ ہے, لوٹا ہوا مسلمان. اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری ہے آپ کو؟ سر میں رہتی ہوں ڈونگری پہ, میرا فرینڈ سرکل بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکاری کے لیے یہاں پہ ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ضرور. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی نہیں, میں یہی جانتی ہوں کہ پرمیشور ایشور اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے. جی ہاں, لیکن آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے کہ صحیح ہے؟ سر بت پرستی کا ارتھ مجھے معلوم نہیں, میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں اس لیے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے. لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ایشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی؟ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے جیسا میں نے فرمایا یجور وید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں اور سویتاسویتار اپنیشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں, نہ تس سے پرتیما استھی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں,
उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती है बाइबल की बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर आप बुत परस्ती जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर अल्लाह जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है, लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल ये चेयर ईश्वर है आप मानेंगे? नहीं, वो ईश्वर सही है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूं कि जो चीज ईश्वर कहना के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बुत परस्ती गलत है या सही है फिर? नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही, तो माशाल्लाह, तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सही। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूंगा कि खवातीन के शोबे से मैं मेरे अहलिया से फरमाऊंगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी या अंग्रेजी में, आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के जरिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप जरूर डोंगरी पे रहते, हमारा इदारा भी डोंगरी पे, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकते और आपके जो भी शक या शुबा उसे दूर कर सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शुक्रिया। माइक नंबर 5। जी जी बहन, सवाल कीजिए। ब्रदर, आई एम अमृता एंड आई एम एन इंजीनियर। Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि एक खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, कि जरूरी है कि मुसलमान बनना, कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहला अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है, स्कूल पास करेंगे फिर आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम के तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में से कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या, मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपने जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसको हम शुक्रिया अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है,
उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे के हमारे बारे में ज्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद में हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है, अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए। क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के जरिए हमें कुछ चीज पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है, अल्लाह सुबहाना ताला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है, शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरु मोस्ट सर्टली इंटॉक्सिकेटिंग गैम्बलिंग और अंजाब वल अस्लामु, जुए खेलना, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना, रिश्त मन मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे, फर्स्ट निबुलकुम तो फ्लून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहां हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज्यादा मौत होते, जो चीज खाने में सबसे ज्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने के वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं अक्सर 80% से ज्यादा जो बलात्कार करता है या जिसपे बलात्कार होता है या दोनों शराब के हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है, जना बिल जबर बढ़ता है, शराब पीने से मैं तकरीर कर सकता हूं। तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छा है क्या पीएचडी करना अच्छा है? पीएचडी। तो इसलिए सिर्फ आम इंसान बनना अच्छा है क्या अच्छा मुसलमान बनना अच्छा है? आम इंसान, एक अच्छा इंसान बनना सिर्फ अच्छा है कि एक अच्छा मुसलमान बनना और अच्छा है? अच्छा इंसान बनना मोर, अच्छा इंसान अच्छी बात है, स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन मैंने पूछा स्टैंडर्ड 10 बेहतर है कि पीएचडी, तो आपने कहा स्टैंडर्ड 10 पास करने के बाद ही तो पीएचडी कर पास। बिल्कुल सही। तो अच्छा इंसान बनने के बाद ही मुसलमान बन सकते, अगर आप अच्छे इंसान है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अच्छे इंसान तो है, आप मुसलमान बनना चाहेंगे? हाँ। आप एक खुदा में मानते? हाँ। आप मानते कि खुदा ईश्वर अल्लाह एक है? यस। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? आप मानते बुत परस्ती गलत है? या। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर उस अल्लाह के पैगंबर है? यस यस। आप मानते माशाल्लाह। तो आप अच्छे इंसान तो है, मैं चाहूंगा आप अच्छे मुसलमान बने। आप जब मानते एक खुदा में, आप मानते कि बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम है। आप मुस्लिम बनना चाहोगे? Yeah, I'm studying Islam. आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे आज? आज? No, I'm studying Islam right now. तो आप चाहते हैं कि इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते? Yeah, और I have to study more. इंशाल्लाह तो आप तहकीक कीजिए,
میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کون اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے, جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے, تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنے اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. جی مائک نمبر ایک سے بھائی سوال کیجیے. ذاکر بھائی, وائی از آئی ایس سو مچ لمیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹڈ؟ IIS, why is it so much restricted and limited? بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم, وسیم بھنڈاری. شیخ فیض الرحمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجئے غیر مسلمانوں کو. ذاکر بھائی اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا تھا, یہ بالکل غلط بات ہے. آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں. نہیں بھائی, آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے. ذاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈ ایک نہیں, ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو, ابھی ہیڈ ایک کا سوال نہیں ہے. سنیے, ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہے گا کہ چھوٹی کٹ ہے, چھوٹی بیماری ہے, اس کا بھی علاج کرے, ہارٹ اٹیک اس کا بھی علاج کرے. لیکن دو شخص آتے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہے, ایک کو زکام ہے. ارے بھائی صاحب مجھے زکام, ارے زکام والا ڈرو کچھ نہیں, ہارٹ اٹیک والے کو دیکھوں گا میں, ہارٹ اٹیک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا. آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اسی لیے شیخ فیض الرحمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے, غیر مسلمان بہنوں کو. اگر اس قطار میں کوئی غیر مسلم ہے. ہیلو سر, مائی نیم از یش شرما. مائکروفون کے قریب ہو جائیے بھائی تھوڑا. سر I am completing my IT engineering from VGTR. زور کا ذرا بات کریں گے بھائی صاحب, ذرا زور سے. I am a IT student. I am doing IT engineering from VGTR. Actually, there is a friend of mine. His name is Sayed Imran. And he told me that music is prohibited. So, I think that it is the very pleasant thing. But why it is not allowed? بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ میوزک حرام ہے, تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ میوزک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے, صرف ڈف کے علاوہ. ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں, کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے. آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, میں تمہارے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں. پھر بھی ہم اس کو گنگناتے. آج کے پکچر کے گانے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے, اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے, وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے. تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ. تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے. ہوپ دی آنسر ٹو دی کوسچن. ایون دی ڈف کین بی یوز فور دی سیمپل. نے پوچھا کہ ڈف کیوں الاؤڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت جب ڈف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے تھے, بخاری کی حدیث ہے کہ انصار ٹرائب جب ڈف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لیے کھیلو, خصوصاً شادی کے موقع پہ, عید کے موقع پہ. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بہکا سکتی ہے. تو ڈف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بہکاتا نہیں ہے, اسی لیے ڈف کی اجازت ہے اور باقی میوزیکل انسٹرومنٹ کی اجازت نہیں ہے. ہوپ دی آنسر ٹو دی کوسچن. مائک نمبر تین میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجیے. میرا سوال یہاں کے اوپر سے جو سبھی نان مسلم بھائی اور پریکشک ہیں ان سے ریپرزینٹ کرتا ہے. مانا کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے, اور یہاں اوپر سے سارے بھائی جو ہے ان کا اگر نان مسلم میں ہوا ہے تو ایز اے سوشلائزیشن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا گھر جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے. تو اللہ نے پھر ایسا
हमारे साथ ना इंसाफी या फिर जैसे उन लोगों के साथ ना इंसाफी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमित। अमित, अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम खानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफी नहीं। और आप अल्लाह सुबहाना व ताला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा? इसीलिए अल्लाह सुबहाना व ताला ने कहा है हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन अगर मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते के सनूरी मायातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबयन अन्नहु अल्हक, कि अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी जिंदगी में कि खुदा एक है। लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करेगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालदेन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरे जबान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे जरा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आपने जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर भाई ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया, उपनिषद से साबित किया, बाइबल से साबित किया, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूं कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? क्योंकि इसके रीजन भी इस तरह से होता है, आज और आन पूरे विश्व में हम ऐसे हाथ से देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़ ये सारे ऐसे हाथ से होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते वो लोग क्यों मरते, जो छोटे बच्चे होते उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों नहीं होती है? बेगुनाही की मौत क्यों होती? बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला कहते हैं कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत की कोई फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने? और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या क्या कुरान खुदा का कलाम है, आप वो मेरी डीवीडी देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है। इंशाअल्लाह अगर आप खुले जहन से ये तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है। इंशाअल्लाह आखिरी सवाल माइक नंबर 4 से खातून के शोबे में कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल कर सकती है। ऑडियंस में नॉन मुस्लिम बहन के तरफ से है जी। मैं पूछना, अगर कोई नॉन आखिरी सवाल कोई नॉन मुस्लिम मैंने वो पूछ सकती है, तरफ से नहीं, नॉन मुस्लिम खुद पूछना चाहिए। आखिरी सवाल राइट बिसाइड मी, वक्त की किल्लत है, पांचवें नंबर पे माइक्रोफोन पे।
माइक नंबर 5 पे खातून के शोबे में कोई और नॉन मुस्लिम अगर बहन हो तो उनको मौका दीजिए। नहीं है यहाँ कोई गैर मुस्लिम है इंशाल्लाह, वक्त की किल्लत की वजह से आखिरी सवाल जी। माइक नंबर 1 से भाई। जी मैं एक्चुअली झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, कुछ समय पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था बट मैं उस पर फॉलो नहीं कर पाया, कुछ मजबूरी के कारण हो सकता है मैंने किया हो, कुछ पाने के कारण, बट मैंने इस्लाम को जाना, मैंने नमाज पढ़ना चालू किया, मैं हर एक चीज जाना जो मुझे आज काफी अच्छी लगती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुस्लिम नहीं हूं, बट मैं आपसे सबके सामने कलमा पढ़ना चाहता हूं। भाई साहब ने कहा कि कुछ वक्त पहले उसने इस्लाम कबूल किया था लेकिन मजबूरी के तहत वो इस्लाम पे पूरे मुकम्मल तरीके से अमल नहीं कर रहा था, कभी नमाज पढ़ता था छोड़ता था, अभी वो चाहता है कि फिर से कलमा पढ़े। लेकिन इस वक्त कलमा पढ़ने के बाद आपकी नियत है कि इंशाल्लाह मैं मुकम्मल तौर से अमल करूंगा। मुकम्मल तौर का मतलब नहीं कि 100% शुरू करे, नियत अगर है शुरू करो नमाज पढ़ने के लिए, एक बार शुरू करो, फिर दो बार, फिर पांच बार, फिर जमात से। जरूरी है कि अगर कलमा पढ़े तो 100% पांच बार जमात से टाइम पे। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको इस चीज के लिए मदद करे। आप मानते कि खुदा एक है? जी जरूर। आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते कि बुतपरस्ती गलत है? जी। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वा अशदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु वरसुलु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुबहाना ताला से कि आपकी मदद करे, आपको हिदायत दे और इंशाअल्लाह आपको इस्लाम में कायम करे। और दुआ करता हूँ कि आप मुस्लिम बने और मुस्लिम मरे। मुस्लिम मरना बहुत अहम है और अल्लाह दुआ करता आप और मैं इस्लाम के दीन पे मरे, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो और इस्लाम ही में मरे इंशाअल्लाह। जरूर। मुझे एक और चीज पूछनी है आपको, वक्त बहुत कम है, खाली एक चीज छोटी सी। मैं एक्चुअली काफी कंपनी में काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने का हक नहीं मिलता है, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाता है, बल्कि हम इंडियन कानून के हिसाब से 8 घंटा हमें बोला गया काम करने के लिए, हम 12 घंटा करते हैं। जब हम बोलते हैं हमें दाढ़ी रखना है, ये आपको आपका ये रूल नहीं है, आप निकाले जाएंगे, हमें नमाज पढ़ना है या नमाज पढ़ने आप आते नहीं है, ऐसा क्यों? जब गैर मजहबी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्हें दाढ़ी रखने का लंबे बाल रखने का हक दिया जाता है तो हमारी एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है और हम इसे लड़के नहीं लीगली रजिस्टर करके हम अपने दाढ़ी के लिए और नमाज के लिए वक्त लिया जाए। भाई साहब ये पूछ रहे हैं, ये ईद आई थी, ये ईद नहीं, काफी ईद गई, चलो मैंने ईद मनाई। भाई साहब वक्त बहुत कम है, डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए कि जल्दी अपनी बात करें। हमें हक क्यों नहीं दाढ़ी रखने का, हमें हक क्यों नहीं नमाज पढ़ने का? दिगर मजाहिब लोग को लंबे बाल रखने की इजाजत है, उनका इशारा सिख मजहब की तरफ था, तो हम क्यों नहीं कमेटी बनाते कि हमें भी हक हो? आप अगर ऐसा माहौल पैदा करेंगे, लोग को आजकल दाढ़ी से डर है, तो हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे दाढ़ी को चाहने लगे। मेरी एक तकरीर है, इफ द लेबल शोज योर इंटेंट वेयर इट, एक तकरीर है जहां मैं साबित किया पहले जमाने में गैर मुसलमान जब टैक्सी में सफर करना चाहते थे, वो चाहते थे ऐसी टैक्सी में सफर करो जिसके टैक्सी ड्राइवर टोपी पहने दाढ़ी है, क्योंकि उन्हें फखर था कि मुसलमान ईमानदार थे। इंशाल्लाह ये वक्त आएगा तो आप ऐसे इदारे से जुड़ो जिसको इस्लाम के बारे में गलतफहमी नहीं है और ऐसे इदारे को जुड़ो भले आपको तनख्वाह कम मिली। हमारे इदारे में फर्ज है कि हर आदमी को दाढ़ी रखना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उसको टोपी पहनना फर्ज है। इस्लाम में टोपी पहनना फर्ज नहीं है, ये लेकिन निशानी है। थकने के ऊपर पहनना फर्ज है, साथ साथ नमाज पढ़ना फर्ज है, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो निकाल लीजिए। तो आप ऐसे इदारे से जुड़ जाइए जो आपको इस्लाम के करीब लेके आएगा, बड़े आपकी तनख्वाह कम मिलेंगी आपको, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इस दुनिया में और आखिरत में। वह आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दो जरूरी ऐलान समाअत फरमाए तमाम खवातीन और हजरात, इंशाअल्लाह कल 6:15 बजे डॉक्टर जाकिर नायक साहब की तकरीर होगी
और सवाल और जवाब का खुला सेशन होगा 6:15 इसी ग्राउंड के अंदर, और आलम इस्लाम की मशहूर शख्सियत और पूरी दुनिया की मारूफ आलिम दीन में से हमारे दरमियान शेख सऊद शरेम जो खाने काबा के इमाम हैं वो तशरीफ रखते हैं इंशाअल्लाह परसों की दुआ पर इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होगा। मैं इसी के साथ साथ आज के जलसे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।